हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो इस वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसके बेस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो पहले मैं इस जो फार्मूला है स्पीड का वो बता देता हूँ। सो फार्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये फार्मूला होता है, राइट। अगर स्पीड फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा। अगर ये टाइम हम लोग क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा? स्पीड इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर स्पीड को साइड ले आके डिवाइड कर देते हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड मीन्स कितना डिस्टेंस है एंड उस कितना स्पीड है डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को टाइम मिल जाता है, राइट। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ओके। सो एग्ज़ाम में कोई भी पूछता है, स्पीड पूछ सकता है या डिस्टेंस पूछता है या टाइम पूछता है, तो आपको दो कोई दिया रहेगा, तीन है तो दो कोई दिया रहेगा, तो आपको ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करके आपको फाइंड आउट करने आ जाएगा। एंड सेकेंड IMP थिंग क्या है, अगर सपोज किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने बोला, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड, मींस एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड उसका हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देना है, राइट ना। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया, हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देना है। अगर मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो या किलोमीटर में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहेगा तो भी, तो दोनों का मैं फार्मूला बता देता हूँ। सो ये फार्मूला है, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीन्स अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, ओके। अगर रिवर्स मीटर पर सेकेंड की बात करें, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो इसका रिवर्स कर देंगे, 18/5 कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पे है, तो यहाँ पे कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर दिया, राइट ना। उसको हम लोग को 60 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, राइट ना। कितना मीटर पर सेकंड है ये हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल है, अगर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। वापस मैं लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड है, राइट ना। यहाँ पे 1 के जगह पे क्या पुट कर देंगे? 60, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18 हो जाएगा, राइट, मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपको 70 दिया रहेगा, 120 दिया रहेगा, 140 दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप इस नंबर से 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं हम लोग, राइट ना, सो मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? 16.67 मीटर पर सेकेंड, 16.67 मीटर पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में वो कितना मीटर जाएगा? 16.67 मीटर जाएगा, वो ट्रेन की स्पीड है, आई मीन, ओके। सो ऐसे हम लोग को फाइंड आउट करने आ जाएगा, कोई भी कितना भी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, हम लोग ये 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसका रिवर्स दिया रहता तो यहाँ पे अगर हम लोग को रिवर्स फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। सो ये भी आपको सॉल्व करने आ जाएगा, आई होप। सिंपल, ये ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मीटर पर सेकंड में सपोज यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड दिया है तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर दो, आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या लिया, अ कार कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर, देन द स्पीड ऑफ द कार इज डैश। हम लोग को स्पीड कार की स्पीड फाइंड आउट करना है, जो कार है वो 125 किलोमीटर कवर करता है इन 5 आवर में, ओके। 5 आवर में 125 किलोमीटर कवर करता है, तो हम लोग को कार की स्पीड फाइंड आउट करना है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो आपको 100 किलोमीटर आपने 4 घंटे में कवर किया, राइट ना, या 150 किलोमीटर आपने 5 आवर में कवर किया, तो कार की स्पीड भी तो फाइंड आउट करना है, राइट। तो कार की स्पीड फाइंड आउट करना है या बाइक आप चलाते हो तो बाइक की स्पीड फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखिए, 125 किलोमीटर इन
5 आवर दिया, राइट। तो हम लोग को कार की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आप लोग को बताया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया 125 एंड टाइम कितना दिया, 5 आवर दिया है, राइट ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 525 जा कितना होता है 125, राइट। तो ये कितना मिल गया, 25 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला, टाइम फाइंड आउट करने बोला, तो आप इस फॉर्मूले से यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम में सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट सभी के अंदर पूछे जाते हैं। रेलवे PO का ले लो, SBI ले लो, या पोस्टमैन का ले लो, पुलिस भर्ती ले लो, सबके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये फाइंड आउट करने आना चाहिए। बट ये याद रखिए, 5 / 18 एंड 18 / 5, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, उनको 1 km/h में वहाँ पे 18 / 5 कर देते। तो एक नंबर एक का याद करो, आप फर्स्ट वन याद करो, सेकंड वन में उसका रिवर्स करना, उल्टा करना, तो सेकंड वन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, राइट। सो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे वीडियो में लेके आऊँगा आप लोग के लिए।